और मसूर के दाल की। इस तरह से करके आप लोग हमारे पास चले आएंगे। शहर का नाम है बाजार। इसका कितने तो 7 चक्कर था, ज्यादा हो गया है ज्यादा, इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। क्या किया आज? नंदी महाराज को खिलाए। क्या खिलाए? चावल। चावल खिलाए। हाँ। नंदी महाराज खा भी लिए। आई वाह। आओ, कैसे बुला रही हो? फिर खा रहे हैं। सोच सोच के खा रहे हैं। गाय लक्ष्मी होती है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आप सबका भाई विकास और आप सबको स्वागत करता हूं अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी आप लोग देखें कि हम सुबह की शुरुआत किए हैं। हमारे धर्म है, संस्कृति है, जो हम जिसको मानते हैं, नंदिनी बाबा कहते हैं। क्या नंदिनी बाबा था या गाय था, गौ माता? वो गाय थी, छोटा बच्चा गाय था। हाँ, तो उनको जो है सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर पधारे हुए थे। तो बीमू जी जो है क्या किए? हमको नहीं पता था, वहाँ पे एक भैया थे तो बोले कि देखो किसी के द्वार पे नहीं गए, आपके द्वार पे, आप कुछ खाने को दो। तो हम बोले क्या दे खाने को, सुबह सुबह खाना बना ही नहीं थे। हाँ। तो बोले कि चावल ला के दिए, चावल ला के तो खा लिए। तो भैया जी बोल रहे थे कि वहाँ यहीं पे एक एक द्वार पे गए थे, मतलब नंदी महाराज, तो उसको कितना भी कुछ दिए ना खाने को वो नहीं खाए, लेकिन आपके द्वार पे खा लिए तो ये शुभ होता है, बोल रहे थे ना। हाँ। तो बहुत खुशी मिली हमको। हमको सुबह सुबह आज कितना पॉजिटिव वाइब्स मिला दोस्तों की, मतलब बयान नहीं कर सकते, मतलब बहुत अंदर से पॉजिटिविटी आ गया। और देखिए ना, चेहरे पे भी पॉजिटिविटी है और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आज आपको हम दिखाने वाले हैं जो कि बीमू जी बना रहे हैं। आज स्पेशल डिश बनने वाले हमारे दही करी विथ कचरी। हाँ। जी हाँ, पकोड़ा, दाल के पकोड़ा, जो आप ही खाओगे, जो दाल के पकोड़ा होता है ना जिसको हम कचरी बोलते हैं, वो बना रहे हैं आज। और एक चीज आप लोगों ने नोट किया दोस्तों, आज आज आप लोगों को बीमू जी ने गुड मॉर्निंग कुछ भी विश नहीं किया। हाँ, स्टार्ट कर लिए थे तो हमने बोले गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ, और सुहाना भी आपको कुछ नहीं बोले हैं, गुड मॉर्निंग है। देखिए सुबह सुबह क्या कर रही है, ब्रश कर रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, है ना बेटू? ए बिटू, ब्रश कर रही है रे, ब्रश कर रही है, ब्रश कर रही है। रोटी से क्या निकाल रहे हो बाबू? इस लोटा में ना रात को दाल भिगो के रख दिए थे। हाँ। चना के दाल और मसूर के दाल। हाँ। मसूर नहीं बोलते हैं, मंसूरी बोलते हैं। हाँ, तो वही। हाँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है चना का दाल और मसूरी दाल, और ये है सिलोटा, ये है लोरी। तो इसको हम रात को भिगो के रख दिए थे, अभी सुबह सुबह इसको पीस के इस तरह से बना लेंगे पेस्ट। हाँ। एकदम बारीक नहीं, थोड़ा सा ठीक। हाँ, चलो शुरू हो जाओ। और इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल दिए थे, पीस लिए हैं। इसमें क्या डाले हो आप? ये अदरक लहसुन और ये दाल है। अच्छा, एक बार हो गया, ये दोबारा हो रहा है। और तब इसको कचरी बनाएंगे, इससे सारे कुछ प्याज वगैरह डाल के पकौड़ा। अच्छा जी। और इसको डालेंगे दही करी में। आपके चेहरे पे सनलाइट आ रहा है। हाँ, सूर्य की प्रकाश, बहुत ज्यादा सनलाइट है, मतलब बहुत ज्यादा तेज धूप है। चलो रे सवरिया शिव के धाम, चल रे सवरिया शिव के धाम। मैंने कर ली है, छुट्टी लोटा पे मसाला पीस लिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पानी भर लेता हूँ और घर सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे ना तो अच्छा नहीं दिखता है। चलिए आपको दिखा रहे हैं करके, सफाई कर लेते हैं। तुम्हारा झाड़ू कहाँ है? झाड़ लो, झाड़ू कहाँ है बेटा? जल्दी से लो, जल्दी से, यहाँ पे है झाड़ू, आप कहाँ पे ढूंढने चले गए झाड़ू? यहाँ पे आपको पता भी नहीं रहता है कि झाड़ू कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से साफ कर देते हैं ना सुहाना। तो रखाओ, रख दो वहां पे, रख दो अच्छे से। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ जा रहा है, प्याज, मिर्ची। हाँ। इसमें डालेंगे मसाला। हाँ। अजवाइन। हाँ।
तो मिक्स करके कचरी बनाएंगे पकौड़ा, दाल पकौड़ा। मैं भी खाती हूँ। आप भी खाती हो? आप तो नहीं खाती हो, मैंने सुना था आप नहीं खाती हो। खाती हूँ। आज भी देखिए दोस्तों, आज भी बीमो ने साड़ी नहीं पहनी हुई है। आज हमको मार्केट जाना है, बिजली बिल पे करने के लिए। आप तो जाओगे? ये सालों पुराने, ये इनकी टी शर्ट भी नहीं है, मेरे भाई चंदन का टी शर्ट है। हाँ, और ये पहन लिए, और एक येलो सा टी शर्ट है। चंदन ना हमारे घर में सबसे ज्यादा लंबा है ना। हाँ। पापा से नहीं ज्यादा? नहीं, पापा जितना होगा। पापा जितना लंबा है, ये पापा से थोड़ा सा छोटा है, मतलब। तो चंदन ये छोटा, पापा जितना ही क्वालिटी में, थोड़ा सा 19-20। आप 19 हो ना? 19? ये 19 है, यहाँ पे नहीं, कभी खड़े नहीं उनके सामने। अच्छा, तो ये 19 है, चंदन 20 है, पापा भी 20 है, तो उनको छोटा। 19 क्यों कर दे, कभी नापे नहीं है। आप हो? मैं नापा नहीं हूँ कभी। आप हो? मैं नहीं नापा। मम्मी सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, तो ना, तो इनको भी छोटा हो गया ये टी शर्ट, चंदन को भी छोटा हो गया, और वो पहन भी लिए थे, तो रिटर्न भी नहीं होता, तो मैं पहन ली। क्या हो गया? क्या हो गया भाई, ये तो होते हैं ना। आप बहू हो घर की, साड़ी पहना करो, कभी कभी साड़ी पहना करो, कभी कभी पहनना, ये भी चलेगा। हाँ, तो बोल रहे थे हम तो पहनेंगे कभी कभी, आज हमको मार्केट जाना है। देखिए, मुँह लटक गया, साड़ी का नाम लेना था, मुँह लटक, मुँह लटक जाती है, और सुहाना मुस्कुराने भी लगती है। सुहाना, क्या हुआ आपको? आपको भी साड़ी पहना दे बेटा, पहना दे साड़ी। आपका साड़ी कहाँ है? आप भी साड़ी पहनती हो कभी कभी, वो कहाँ है? पकौड़ा बना के, कचरी बोलते हैं हम लोकल भाषा में, कि दाल का कचरी। तो कचरी जो हम बना रहे हैं, मंसूरी का दाल है, चने का दाल है, उसको हम भिगोए थे भर रात, फिर सुबह सुबह उसको पानी को फेंक दिए, उसको सिलोटा लोढ़ी पे उसको पिसाई किया, आप लोगों ने देखे ही सारा चीज। उसमें जो है देखिए, शिमला मिर्च का बेटा जो है वो वाला मिर्च डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं, और सारा सारा को उसमें स्वाद अनुसार बुकनी यानी कि मसाला डाल दिए हैं, धनिया और चिल्ली पाउडर, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे दोस्तों, फिर उसको जो हम करने वाले हैं हाथों से मिक्स करेंगे, फिर उसको गर्म तेल में पकौड़ा की तरह तलेंगे, फिर उसको दही के साथ बड़ा कढ़ी बनाएंगे दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ, आप लोगों को खिलाएंगे, बहुत ही टेस्ट लगेगा। जिन लोगों को भी खाना होगा, अपना एड्रेस बता देंगे हम, मिथिलांचल के मिथिला जगह से बड़ा क्रॉस करके आप लोग हमारे पास चले आएंगे, शहर का नाम है बाजार, तो आप लोग आ जाइएगा जल्दी से। मिलने के लिए आइएगा, कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज की जरूरत है, आज जाइए। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता होगा कि खाली हाथ ना आए, तो सुहाना के लिए 5 रुपए वाला बिस्किट ले लीजिएगा, बस काफी रहेगा ना, इतना ही। हमसे मिल लीजिएगा, 1 घंटे आपको समय देंगे, फिर आप वापस चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे हो गया है कचरी तैयार, कचरी का बड़ा, सारे कुछ इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर देते हैं। अच्छा, देखिए डिसुम डिसुम फैट चल रहा है कचरी के साथ अभी ना, मिल गई। बहू, आपको इतना टेस्टी खाना कब से बनाना लगा? पता नहीं। पता है दोस्तों, जब हम लव कपल्स थे, जब हमारी शादी ना हुई थी, तो कभी कभी जाते थे इनसे मिलने के लिए उनके रूम पे, गया थे ना, तो कभी कभी बताते थे, तो ये जब खाना खिलाती थी, दाल माशाल्लाह, मतलब क्या ही बात है, लाजवाब गजब दाल बनाती थी, और चावल अच्छा ही रहता था, भुजिया थोड़ा सा पसंद नहीं आता। सब्जी ना, एक दिन मुझे याद है, जिसको शादी हुई, मतलब आप लोग कल परसों वीडियो देखे होंगे, मदन को, तो मदन खाए एक दिन सब्जी, तो बोल रहे थे क्या ये तो मतलब चिकन की तरह लग रहा है ना। कुमरोड़ी का सब्जी था, कुमरोड़ी, अब उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम लोकल में जैसे रेडिश वगैरह होते हैं ना, रेडिश को ऐसे पीस के उसमें फिर कुछ पाउडर डाल के, दाल के पाउडर होते हैं वो, उड़द दाल के पाउडर डाल के जो बना, अगर हाँ हम जाएंगे यहीं पे कहीं पे गांव में देखेंगे, मिल जाए ना, तो आप लोगों को बना के रखेंगे, अगर चाहिए आपको। उसका जो सब्जी बीमू जी बनाती है ना, मतलब जवाब ही नहीं उसका, सच में लाजवाब। आप लोग फ्रेंच फ्राई खाए होंगे, ठीक है ना, पूरा कुरकुर सा कुरकुरम होता है ना, उस तरह का भुजिया बनाती थी, और तेल में तो लतपत, देख रहे हैं ना कितना मोटी है, तेल छान लेते थे तेल, मतलब वही फ्रेंच फ्राई और दाल चावल लेता था, तो खाया था तो बहुत ही टेस्ट लगा था खाने में, लेकिन वो वाला भुजिया मेरे को पसंद नहीं था, फिर भी ये बनाए थे तो प्यार था ना दोस्तों, बहुत अच्छा बनाई है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, प्यार था, देखिए प्यार था, मतलब मैं उस बात का बात कर रहा हूँ तो खा ही लगेगा ना, अब प्रेजेंट का बात करूंगा तो है लगेगा, प्यार तो है, हमेशा रहेगा, आप मेरी पहली प्यार थी, आप मेरे पहले प्यार हो, आप मेरे दूसरी प्यार हमेशा रहोगी। झूठ मत बोलो कि पहले प्यार है। तो फिर कौन है पहले प्यार? क्या पता, तो आपको पता होगा ना।
वैसे 8-10 तारीख को तो हमारे लग तो यहाँ नहीं वाली है, तो सब पता चल ही जाएगा किसका स्वर्ग पहला प्यार है, इसका मैं पहला हूँ कि नहीं हूँ, ये मेरी पहली है कि नहीं है, इसका कितने तो साथ चक्कर था, मेरा कितने के साथ लफड़ा था, सब आपको जानने को मिलेगा। मेरा कोई लफड़ा नहीं था, मेरा कोई चक्कर नहीं था। आपको क्या नहीं था ये बताओ, आपको क्या नहीं था ये बताओ, बता देंगे समय का थोड़ा इंतजार कीजिए दोस्तों। करी के लिए सारे कुछ रेडी कर लिए, इसमें थोड़ा सा डाले बेसन, नमक, थोड़ा सा सारे मसाला, थोड़ा थोड़ा सा और हल्दी, इतना कुछ डाल दिए। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मतलब झोल बना लेंगे पानी, और उसके बाद बनाएंगे दही करी। देखिए कैसे बनाते हैं, पानी डाल के ये क्या हो गया, इसको दही करी बनाएंगे इससे। तो दही कहाँ है इसमें, दही बाद में डालेंगे। डाल दिए तेज पत्ता, उसके बाद तेज पत्ता जैसे हो जाए फिर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और जो है ये सूखी मिर्च ये डाल देंगे। जैसे ये दोनों हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे प्याज। देखिए अभी ये फौरन जो है हमारा पक चुका है, तो इसमें ये पानी जो बना के रखे थे इसको डाल देते हैं। ये पानी में ना बेसन के खट्टा हम वो भी डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चावल के आटा भी डाल देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा गड्ढा हो गया है ज्यादा, इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे, ये ज्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। इसमें नमक मसाला हल्दी सारे कुछ डाल दिए हैं, अब बस ये बॉईल होगा, इसमें दही हम डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे दही को। देखिए ये अभी बॉईल हो गया है, कचरी जो है पकौड़ा डाल के इसको अभी इसमें डाल देते हैं। तो देखिए इसको अभी इसमें निकाल लिए हैं, इसको कवर करके रख देते हैं, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बन जाएगा तो कुछ देर में हम लोग खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग ने देखे किस तरह से हमने दही कढ़ी बनाई है पकौड़ा के साथ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नए हो तो प्लीज लाल बटन जो है नीचे सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब दबा के ऑल पे सिलेक्ट करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्या दोस्तों, हम सबसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्लीज 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 ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।